नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के रिव्यू टैब में जो प्रोटेक्ट ऑप्शन है इन सभी ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने इस ऑप्शन के बारे में पिछले होम टैब में भी आपको समझाया हुआ है। अगर आप होम टैब में जाते हैं और यहां से आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपका ऑप्शन ओपन होगा और यही सेम ऑप्शन आप रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट पर भी देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हमसे कुछ परमिशंस मांगता है कि हम किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और किस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ऑप्शन लिया इंसर्ट कॉलम का। अगर हमने जिस चीज़ पर चेक मार्क कर रखा है यानी जिस चीज़ पर हमने टिक किया हुआ है उन सभी को इन शीट पर अलाउ किया जाएगा, यानी उन सभी ऑप्शंस का अलाउ किया जाएगा कि आप वो वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आपके सामने हाइड है उन सभी में आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने एक ऑप्शन यूज़ किया है यहाँ पर इंसर्ट कॉलम का। इंसर्ट कॉलम का अगर हम ऑप्शन यहाँ पर टिक करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पासवर्ड डालकर ओके, तो होगा क्या कि हम इस पूरे सेल के अंदर यानी पूरी शीट के अंदर हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम रो को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली पासवर्ड यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने पासवर्ड दे दिया 111 और उसके बाद हमने ओके किया। एक बार और री एंटर पासवर्ड मांगता है हमसे, तो दोबारा से हमने वही सेम पासवर्ड डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर आप इस फाइल के अंदर कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर देगा। ये मना कर देगा कि आप इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमने जिस चीज़ को अलाउ किया था वो एडिटिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने अलाउ किया था कि हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, होम टैब पर गए और यहाँ से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सेल इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई और एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको साफ मना कर देगा, आप इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं कर सकते। ये था प्रोटेक्ट ऑप्शन। हम इसे वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा वापस से रिव्यू टैब के अंदर और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड दिया था वही सेम पासवर्ड डाल करके हमें एक बार ओके करना होगा। इसके बाद हम इस फाइल के अंदर कोई भी एडिटिंग एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो ये था हमारा फीचर प्रोटेक्ट शीट का। इसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक है ये पूरी की पूरी शीट पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर तीन शीट्स ली हुई हैं, सिटी लेवल समरी का, डे वाइज ट्रेंड्स का, MID का और पेआउट स्ट्रक्चर का। इसके अलावा अगर हम और कोई शीट यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने प्लस का निशान है। इस प्लस के निशान पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई शीट ओपन हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसके अलावा कोई और शीट हमारे सामने इंसर्ट ना हो पाए और वर्कबुक हमारा सिर्फ इतना ही यूज़ में आए, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले शीट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया हमने और शीट को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं, जैसे हमने सेम वही पासवर्ड दे देते हैं 111 10 111 ओके। अब हम इस प्लस के निशान पर जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी कोई भी नई शीट इंसर्ट नहीं होगी। ये देखिए कोई भी इंसर्ट शीट नहीं हो रही है क्योंकि इसने क्या किया, आपके पूरे वर्कबुक को एक प्रोटेक्ट कर दिया और आप इसमें कोई एक्स्ट्रा शीट ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी आपने एक डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा शीट ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से आपको इस पर क्लिक करना होगा और सेम एज इट इज पासवर्ड आपको डाल करके ओके करना होगा और अब ये प्रोटेक्शन रिमूव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे एक नया ऑप्शन हमारे सामने है अलाउ एडिट रेंज का। अब ये ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटाबेस है और आप चाहते हैं कि आपने इस फाइल को शेयर किया, शेयर करने के बाद आप चाहते हैं सिर्फ इतने से ही डेटा में चेंज कर पाए, जो जिसको भी आपने फाइल को शेयर किया हुआ है वो पर्सन सिर्फ इतने ही डेटा में चेंज कर पाए, इसके अलावा और किसी डेटा को ना छेड़ पाए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक रेंज को अलाउ कर सकते हैं कि वो पर्सन सिर्फ इसी डेटा को एडिट कर पाएगा, इसके अलावा कोई और डेटा अगर एडिट करने की कोशिश करेगा तो ये उसे मना कर देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, हमने यहाँ पर रेंज ले लिया। रेंज लेने के बाद जिस भी हमने डेटा को एडिट के लिए अप्लाई करना है उसको हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ एडिट रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू का। न्यू फीचर पर जैसे आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे टाइटल मांग रहा है कि आप इसका कोई टाइटल दे सकते हैं कि भाई इसको किस लिए एडिट करना चाह रहे हैं, उसका कोई टाइटल दे दीजिए। जैसे हम एडिट ही इसका टाइटल दे देते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे रेंज यहाँ पर हमने पहले से ही ली हुई है जिसके अंदर हम परमिशन देना चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे रेंज पासवर्ड है, यानी जब भी कोई पर्सन इस के अंदर कोई एडिटिंग करेगा तो उसे एक पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसमें एडिट कर पाएगा। यानी हर पर्सन इसको एडिट नहीं कर सकता, जिसे इस पासवर्ड के बारे में पता होगा सिर्फ वही पर्सन इसमें एडिटिंग कर पाएगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, मान लीजिए 111 पासवर्ड दे दिया हमने, और सिंपली हमने यहाँ पर कर दिया इसे ओके। एक बार कंफर्म पासवर्ड देते हैं फिर से, और हमने कर दिया इसको ओके। अब ये तो अलाउ हो गया कि भाई इसमें एडिटिंग हमारी हो पाएगी। अब पूरी की पूरी शीट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे नीचे प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा और वही सेम ऑप्शन हमारे सामने फिर से खुल जाएगा, और यहाँ पर भी हम पासवर्ड डाल करके इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। लीजिए हमारा पूरा का पूरा डेटा प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर हम इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये साफ मना कर रहा है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं जहां पर हमने अलाउ किया हुआ है, तो वहां पर आप अगर एडिट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड हमने इसको अलाउ करते समय दिया था। तो हम वापस वही पासवर्ड इंसर्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, और अब इसके अंदर जो भी मैं एडिटिंग करना चाहूंगा वो एडिट कर सकता हूं। तो ये ऑप्शन था हमारा अलाउ एडिट रेंज का। इसको वापस से आपको अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट शीट का, इस पर वापस से क्लिक करेंगे और सेम वही पासवर्ड डाल करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, यानी आप इसके अंदर एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये तो थे हमारे तीनों ऑप्शन प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्ट वर्कबुक का और अलाउ एडिट रेंज का। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है अनशेयर वर्कबुक का। अब ये अनशेयर वर्कबुक अभी हाइड है, इस ऑप्शन को किस तरीके से अनहाइड किया जाता है पहले मैं आपको वो समझाता हूं, और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। बेसिकली अनशेयर वर्कबुक को हाइड करने के लिए हमें शेयर वर्कबुक का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से ओपन किया जाता है, इसके लिए हमें जाना होगा फाइल ऑप्शन पर, और यहां पर सबसे नीचे आपको जाना होगा मोर पर, और यहां पर आपको दिखेगा ऑप्शन का एक ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इन सेटिंग्स के अंदर आपको आना है कस्टमाइज रिबन पे, और कस्टमाइज रिबन पर आने के बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल को नीचे की तरफ खींचकर लाएंगे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर वर्कबुक का, आपको इसको सिलेक्ट करना है। और यहां पर अगर आप इसे डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको साफ मना कर देगा, ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, इसके लिए हमें एक न्यू टैब क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू टैब कैसे क्रिएट होगा, यहां देखिए नीचे एक ऑप्शन है न्यू टैब का, इस न्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आप इस वाली फाइल को यहां से सिलेक्ट करके सिंपली यहां पर ऐड करा सकते हैं। जैसे आपने न्यू टैब ऐड किया और आपने ऑप्शन को ऐड करा दिया, तो यहाँ पर देखिए हमारा शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके फाइल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, यानी टैब के नेम को अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीनेम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टैब का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया शेयर वर्कबुक, और इसके बाद हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो गया शेयर वर्कबुक का, और यहाँ पर आप देखेंगे शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो गया। जब तक कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वाला ऑप्शन अनहाइड ही रहेगा। अब बेसिकली ये होता क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो बेसिकली पहले हमारे जो एक्सेल के ओल्ड वर्जन थे उनमें ये ऑप्शन फ्रंट पे ही दिया रहता था, जिसमें हमें सिर्फ टिक करके अलाउ करना होता था, और अब ये ऑप्शन इन्होंने बहुत ही अंदर दे दिया है, हमें इसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली शेयर वर्कबुक जो ऑप्शन है उसका यूज किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक इमेजेस के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश की है। जैसे मान लीजिए हमारे सिस्टम्स लैन के अंदर कनेक्टेड होते हैं, लैन के बारे में आप जानते ही होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं कंपनी के अंदर, वो सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से, तो उन सभी की लैंस के अंदर अगर हमें कोई एक डेटा शेयर करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल्स डाल दी, यानी एक्सेल की यही फाइल हमने मान लीजिए डाल दी, और इस फाइल के अंदर उसमें कई सारे यूजर उसको यूज करना चाहते हैं, यानी एक ही फाइल को अगर बहुत सारे पर्सन यूज करना चाहते हैं यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें फाइल शेयर करनी पड़ती है। तो यहां से एक्सेल से आप डायरेक्टली उस फाइल को शेयर कर पाएंगे, और शेयर करने के बाद आप बहुत सारे यूजर्स मिलकर के उसको यूज कर पाएंगे और उसमें एडिटिंग कर पाएंगे।
तो ये चीज़ आप कैसे कर पाएंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से आपको जाना होगा शेयर वर्कबुक वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको जाना होगा शेयर वर्कबुक पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको सिंपली टिक करना है, और टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यानी सबसे पहले हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमने इसको ओके किया और यहाँ पर हमने इसको शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गई कि आप इसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं, यानी आपने जो भी डाटा शेयर किया हुआ है, जो भी फाइल आपने शेयर की है, क्या उसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं। तो हमने फिलहाल इसको कर दिया नॉट नाउ। नॉट नाउ करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं अपने रिव्यू टैब के अंदर, और रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे हमारा जो अनशेयर वर्कबुक था वो यहाँ पर शो हो गया। यानी अनशेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो यूज किया जाता है जो हमने डेटा को शेयर किया हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, हमने जो भी डेटा शेयर किया था वो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा अनशेयर वर्कबुक का ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है हाइड इंक का। अब ये हाइड इंक कैसे यूज किया जाता है इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी इस फाइल के अंदर हमें एक नया ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी पुरानी वाली शीट पर, और इस शीट पर आने के बाद हम चले जाते हैं वापस से फाइल वाली ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन पर जाने के बाद सेम उसी जगह पर हम जाते हैं मोर पर, और यहाँ पर हमने ले लिया ऑप्शन। ऑप्शन लेने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट किया अपना कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा डेटा को ऐड नहीं करना। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉ का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस ड्रॉ वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। जैसे आप ड्रॉ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ का जो ऑप्शन है वो तीसरे नंबर पर आपको शो कर जाएगा, और इसमें बहुत सारे स्केचेस और बहुत सारे आपको पेंस मिलेंगे, इनका आप यूज कर सकते हैं किसी डेटा को हाईलाइट करने के लिए। जैसे हमने येलो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको यूज कर पाएंगे, ऐसे कोई भी कलर आप पिक कर लीजिए, और पिक करने के बाद आप किसी डेटा को हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरा कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप किसी डेटा को इस तरीके से हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था, यहाँ पर जाते हैं हम वापस से रिव्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाइट इंक का। हाइट इंक का यूज किया जाता है जैसे हमने जो भी एक्स्ट्रा कलर्स का यूज किया हुआ है उसको हाइट करने के लिए। जैसे हम हाइट इंक पर क्लिक करेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा कलरिंग अपनी शीट के अंदर की हुई होती है वो सभी यहाँ से हट जाती है। इसके बाद वापस से आप इसको अनहाइट करना चाहते हैं तो वापस से क्लिक करिए, वापस से वो डेटा हमारा शो हो जाएगा उसी कलरिंग के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, यानी अगर एक शीट पर आपका कोई भी आपने बहुत सारी इंक यूज कर रखी है तो उसको आप यहाँ पर एक शीट को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत सारी शीट्स पर यानी शीट वन पर शीट टू पर भी आपने इसको यूज किया हुआ है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दूसरी शीट पर जाते हैं और यहाँ पर भी हम उस इंक का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कोई भी कलर पिक किया, कोई भी कलर पिक करने के बाद हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर भी। ये देखिए हमने यहाँ पर भी डेटा का यूज कर लिया, हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके एक शीट पर और गए हम लोग, और इस शीट पर जाने के बाद भी हमने अपने डेटा का यूज कर लिया, यानी कोई भी कलरिंग का हमने यूज कर लिया, किसी भी डेटा को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद हम फिर से चले जाते हैं अपनी वापस से रिव्यू वाले टैब पर, और यहाँ से हमने यूज किया हाइड इंक। हाइडिंग करेंगे तो आप जिस भी शीट पर जाएंगे उन सभी शीट्स पर आपका डेटा यहाँ पर हाइड हो जाएगा, यानी आपका जो भी हाईलाइट ऑप्शन था वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसके बाद वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से वो शो हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, यानी जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है इंक का वो यहाँ से रिमूव हो गया। सेकंड शीट पर जाकर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर वो रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रही थी शीट उसी का हमने यहाँ से डिलीट किया है। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं डिलीट ऑल इंक इन वर्कबुक, यानी पूरी वर्कबुक के अंदर जहां जहां पर हमने इंक का यूज किया हुआ है वो डिलीट हो जाए, तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप जाके चेक करिए हर एक शीट से यानी जो इंक था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप हाइड इंक का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोटेक्ट ऑप्शंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।